हे, मैं एक शानदार मरमेड हूँ, तुम एक शानदार लूजर हो। अभी भी डॉल से खेल रही हो? तुम्हारी ये घटिया हैट। तुम्हारी मरमेड लंबे सफर के लिए जा रही है, वो मेरी पसंदीदा है। अपनी मरमेड को गुड बाय कर दो। ये तुमने क्या किया? मेरी मरमेड। लूजर को गुस्सा आ रहा है। क्या हो रहा है? छुप जाओ, तुम खुद अब एक मरमेड बन जाओगी। वो ये शानदार है, मेरी नई टेल सुंदर है। अब तुम ये देखो। हाँ, उसने क्या कहा? क्या वो थम्स अप था? दोस्तों, लाइक का बटन दबाएं। शुक्रिया, मैं मरमेड को साथ ले जा रहा हूँ। गुड बाय। वो उसे कहाँ ले गया? रुको, हमें उस मरमेड को छुड़वाना होगा। मैं नहीं जा रही। हाँ, तुम चल रही हो। खैर, मेरे दोस्तों, ये शो का समय है। ये कैसी जगह है? मैं वापस जाना चाहती हूँ। मुझे बाहर जाने दो। खोलो। सिर्फ मरमेड्स के लिए एंट्रेंस है? क्यों? अब समझ आया। मैं यहाँ हमेशा के लिए फंस गई हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मरमेड मेकओवर। वाओ, ये शानदार है। आहा, कुछ उड़ रहा है। वहाँ एक डोर है। आखिरकार मैं बाहर जा सकती हूँ। मुझे जाने दो। ये किस तरह का गंदा मजाक है? मरमेड की तरह बनना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ये चाहिए। और ये, हे, इसे क्या हुआ? वो मैड मार्च हेयर की तरह कर रही है। कैंडी, मैं उसे भी देना चाहती थी। और ये भी, ये नहीं रुकेगी। कोई बात नहीं, मैं एक सेकंड में बाहर निकल जाऊंगी। ओह, बढ़िया है, टेल तैयार है। अब हेयर बनाते हैं। सही है, वो क्या करने वाली है? आओ, तुम्हें शेल नहीं चाहिए? मैं ले लेती हूँ, शुक्रिया। बस अब लुक पूरा हो गया। डोर, मुझे जाने दो। हाँ, 0%। रिजल्ट बहुत बुरा है। बेकार कॉस्ट्यूम, इससे बात नहीं बनी। ओ, देखो मुझे क्या मिला। मरमेड डॉल, मुझे दो। इसे साफ करना होगा। कुछ काम नहीं कर रहा। तुम बस गलत तरीके से कर रही हो। सबसे पहले तुम्हें उसे अच्छे से साफ करना होगा। तुम्हारे सर को धोते हैं। अब तुम्हारा चेहरा। अच्छे से ब्रश का इस्तेमाल करना जरूरी है। फिर ब्यूटी मुश्किल काम है। हम इसे हेयर ड्रायर से सुखा सकते हैं। नहीं, चलो भी, उसे अच्छा लगेगा। हाँ, ये सबसे बुरे ब्यूटी आर्टिस्ट हैं। सब हो गया। रुको, चलो मरमेड कंट्रोल, डोर को खोल दो। ओह, आराम से। हे भगवान, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो आगे क्या है? ठीक है, बस बहुत हो गया। शायद डेथ हो सकता है। हाँ, एक टेल। ठीक है, शायद ग्लैम हो सकता है। ये भी न्यू मेकअप करना होगा। तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो? मुझे पुराने मेकओवर को हटाना होगा। मैं बिना मेकअप के ही अच्छी लगती हूँ। अच्छे से साफ करना होगा मुंह, आईज और नाक को भी। थोड़ा सा फेस पाउडर, फेस पर थोड़ा सा ब्लश। चलो मरमेड वेव इंस्पायर्ड आईब्रोज बनाते हैं। और ग्लो, अब हम आईज करेंगे। सुंदर पर्ल शेड और येलो पैटर्न और रोजी चीक्स। आखिरकार मैं एक पीका हूँ। बिना ग्लिटर के मरमेड कैसी? शानदार है। अब नाक की बारी है। चलो अब नाक पर छोटा सा ब्लैक हार्ट बनाते हैं। लिप्स हो गए, अब मैं तैयार हूँ। डोर, ये लुक कैसी है? मेरा 10% मेकओवर हो चुका है। ये आसान है। तो अब क्या करें? मुझे मेकअप करना नहीं आता। थिंक, आ रहा हूँ। ओह, डोर खुला हुआ है। मैं नहीं कर पाई। मुझे मेकअप करना होगा। क्या उसने अपना मास्क हटा दिया? हे भगवान, तो क्या मेरा भी फेस है?
थिंक, काम पर लग जाओ। फाउंडेशन से शुरू करते हैं। मुझे ब्रशेस से काम करना पसंद है और मुझे आई शैडो चाहिए, ब्लैक बिल्कुल। अब थोड़ा स्पार्कल्स लगाएंगे, स्टेंसिल्स, लिप्स, बहुत अच्छे थिंग, लेकिन कुछ मिसिंग है। अब ये हुई ना बात, इसके बारे में क्या ख्याल है? 20% मर्मेड बन गई हूँ, अब तक तो सब ठीक है। मेरा मेकअप हो गया। वाओ, मैंने लेवेंडर मर्मेड एनर्जी मेकअप किया है। वाओ, देखो जैक्सी, तुम डॉल की तरह लग रही हो, जल्दी से डोर के पास जाओ। मैं ठीक है, फिर लो मैं तैयार हूँ। क्या, बस 15% ही? ओह हाँ, मुझे मेरे मास्क को अच्छा बनाना चाहिए। हम ओशन स्टाइल का बनाएंगे और सी शेल्स, स्टारफिश और कोरल्स, और हाँ बिल्कुल पर्ल्स भी। अब डोर क्या कहेगा? 31%, काफी बेहतर है, बहुत अच्छे जैक्सी। ओह, बस करो, हम उसे चीयर कर रहे हैं। तो आगे क्या करना है? टेल्स लगाओ। टेल्स, हम ये कैसे करेंगे? ओह, इस कंटेंट्स को चेक करते हैं, इसमें कुछ अच्छा होगा। वो ये तो टेल है, हालांकि ये पुरानी लग रही है। बिल्कुल नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगी। इसे पकड़ो, ठीक है। ओ, मेरी किस्मत अच्छी है। प्लीज, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टेल है? मुझे सच में उसकी जरूरत है। ये लो, ये गिफ्ट है, तुम बहुत अच्छी हो। लो, तुम हमारी टेल भी रख लो। बाय दोस्त, टेल्स की अब कोई चिंता नहीं। तुम्हारी टेल के लिए शुक्रिया, लूजर्स। क्या, कैसे? 100%, बाय। रुक जाओ, रुको। अरे नहीं, वो हमारी टेल थी, कोई इतना भोला कैसे हो सकता है? इसमें कुछ और है। ओ, ये क्या है? कैंडी, मैं ट्राई करूंगी। यम यम। वो मेरे पास टेल है। ओह, मुझे उल्टी आ रही है। ओह, क्या मैं ये बॉक्स ले सकता हूँ प्लीज? ये वाला ले लो। नहीं 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 नहीं, रुको। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया, इसमें तुम्हारा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। बाय बाय। ये कैसा स्नैक है? नहीं, देखो वेंसडे, मैं 5 टेल वाली मर्मेड हूँ। ये बहुत आसान काम था। बाय गर्ल्स, फिर मिलेंगे, किस्मत वाला था। मेरे पास एक आइडिया है। बढ़िया, अब मैं मर्मेड हूँ। डोर, ये कैसा है? अच्छा है ना? नहीं, ओप्स, मेरा सर। अब टॉप्स की बारी है। टॉप्स, याहू, ये वाला मेरा है, ये मेरे साइज का है। गर्ल्स, कैसा है? ये रहा मेरा टॉप, शानदार है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये टॉप नहीं पहन सकती। चलो भी पहन लो। नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया, मर्मेड फैशन मुझे पसंद नहीं है। ओ, कुछ तो कमी है, मुझे एक बेल्ट की जरूरत है। मुझे पता है कि क्या करना है, मैं अपनी टेल के लिए बेल्ट DIY करूंगी। शानदार रोशन 2024 कलेक्शन की बेल्ट है, ये लाजवाब है। वाओ, ये बहुत शानदार है, मेरे पास इस तरह की बेल्ट नहीं है। ठीक है, अब तुम्हारे पास भी क्यूट बेल्ट है। वाओ, ये तो मेरी सोच से भी बेहतर है, अंडर वाटर फैशन मुझे पसंद है। शुक्रिया, क्या हम डोर के पास चलें? अब कितने परसेंट हुआ? 60%, ये मगर अच्छा है,
मेरे पास एक प्लान है। एक मिनट, नहीं पीका, अपने कानों को मत निकालो। बूम, मैं मजाक कर रही थी, मेरे कान निकल सकते हैं। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तब तक मैं सब तैयार कर लेती हूँ। मेरे कान, किसी ने उसे चुरा लिया। वहाँ है चोर कहीं के, मुझे कान वापस दो अभी। ये कान हमारे हैं। बढ़िया, मेरे बेचारे कान। रोना बंद करो, मैंने तुम्हारे कान बचा लिए हैं। इस बेकार कान से मैं परेशान हो गया हूँ। अब मैं मरमेड इंस्पायर्ड कान बनाऊंगी। बन गए, बहुत सुंदर है। हे, तुम्हारे हेडपीस कहाँ है? हाँ जाक, क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या नहीं, मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूँ। शॉपिंग, मैं ये लूंगी और ये भी। बढ़िया है। मेरे अकाउंट में से पैसे खत्म होने वाले हैं। स्कूबा मरमेड तैरने के लिए तैयार है। ओह, और 2%। क्या तुमने ये देखा? गर्ल्स, डोर इंतजार कर रहा है। एक्सेसरीज, ठीक है, चैलेंज मंजूर है, मुझे जल्दी करना होगा। बैंग, मेरा नेकलेस तैयार है। सुंदर है ना? मैं स्टाइलिश कॉलर DIY करूंगी। व्हाइट फेल्ट स्टारफिश में बदल गए। क्या बात है, अंडर वाटर पीसेस को ग्लू से साथ में चिपकाएंगे और बीट से इसे और शानदार बनाएंगे। इन्हें कॉलर से अटैच करेंगे। मेरी एक्सेसरीज तैयार है, मुझ पर अच्छा लग रहा है ना? तुम अपनी एक्सेसरी DIY कर रही हो या नहीं? जल्दी करो जाक्सी। ठीक है, मैं पर्ल बीड्स बनाऊंगी। हे, सी हॉर्स और स्टारफिश, जितने हो उतने कम है। लो, हो गया। डोर के पास चलते हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं। डोर गार्ड, ये लोग कैसा है? चलो भी, प्लीज। हाँ, नहीं। हाँ। क्या ये हाँ है? अभी भी नहीं, मेरे बाल ही इसकी वजह हो सकते हैं। अब ये जल्दी ही 100% हो जाएगा। क्राउन को नहीं भूल सकती। वो जाक्सी, जरा उधर देखो, अब हम बाहर निकल जाएंगे। हम यहाँ कैसे पहुँचे? मुझे ये पसंद नहीं है। हम कहाँ हैं? यहाँ क्या हो रहा है? मेरे अमेजिंग डिजिटल सर्कस में स्वागत है। तुम सही समय पर आए हो। अमेजिंग मेकओवर शुरू होने वाला है। तुम्हारा टास्क पॉमनी बनने का है। मैं ये सब नहीं करने वाली। मेरा हाथ, प्रैंक अच्छा था। तुम्हें सबसे पहले अपने मेकअप को हटाना होगा। जब मेकओवर पूरा हो जाएगा तो तुम यहाँ से जा सकते हो। गुड लक। ये क्या है? इसे खोलने का मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। सबसे पहले हमें मेकअप को साफ करना होगा। मेरे पास स्पेशल स्पाइडर स्पॉन्ज है। सब हो गया, मुझे मेरे चेहरे को अच्छे से धोना होगा। मेरी आंखों में फोम चला गया। क्या कोई रो रहा है? मरमेड, मैं मदद करती हूँ। फोम को मैं जल्दी हटा दूंगी। हो गया, अब तुम आंखें खोल सकती हो। सच में? ओह शुक्रिया। आगे क्या करना है? बाल, ग्लैम, आउटफिट। मेकअप से शुरू करते हैं। कंसीलर लगाते हैं। अगला, हम कॉन्टोर अच्छे से करेंगे। बार्बी गर्ल सब अच्छे से कर रही हैं। मुझे इसके काम में गड़बड़ करनी होगी। मुझे पता है मेरा विंड ब्लोअर कहाँ है। चलो शुरू हो जाओ। ये क्या हो रहा है? इतनी हवा कैसे चलने लगी? मैं कुछ कर नहीं पा रही। हे भगवान, बार्बी मुसीबत में है। प्लीज लाइक बटन को दबाएं ताकि बार्बी अपना मेकअप पूरा कर सके। ओह हाँ, ये काम कर गया।
मुझे समझ नहीं आ रहा ये काम क्यों नहीं कर रहा। आखिरकार शुक्रिया, वापस मेकअप पर आते हैं। मैं आंखों के पास पिंक आई शेडो लगाऊंगी। थोड़ा सा व्हाइट टच, ब्लैक आईलाइनर लगाते हैं। हो गया, थोड़ी सी डिटेल्स और मेकअप तैयार है। मैं ब्रॉन्जर से शुरू करूंगी। केप का इस्तेमाल करके कॉन्टोर सर्कल्स बनाऊंगी और ब्लेंड करूंगी। अगला फेस पाउडर है, आईलाइनर और स्पार्कल्स। मुझे मेरे लिप्स पॉप करने होंगे। एक आखिरी काम, कॉन्टैक्ट्स, और मैं तैयार हूँ। मैं थोड़ी जेलस हूँ। ओह नहीं, ब्रश में स्लाइम लग गई है। मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। सारा मेकअप खराब हो गया। क्या ग्लैम लुक इससे भी बुरा हो सकता है? कैसी मुसीबत है। दुखी मत हो, मैं मदद करती हूँ। हम बेकार मेकअप को मास्टरपीस में बदल देंगे। हो गया, लाजवाब है। और इसी तरह से पहला टास्क खत्म हुआ। जल्दी से डोर के पास चलो, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। ये खुल नहीं रहा। हमारा अभी 25% ही हुआ है। हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। ये रहा अगला टास्क, आउटफिट। मैं क्या पहनूं? मैं येलो ट्राई करूंगी। ये शायद अच्छा नहीं है। स्पोर्टी? आज नहीं। पिंक? ये मेरे मतलब का है। मुझे ट्रिमिंग करने की जरूरत है। मेरे आउटफिट के लिए ये फैब्रिक काम आएगा। तुमने मुझे डरा दिया। सिलाई मशीन अपनी जगह पर है। हम शुरू करने के लिए तैयार हैं। एक आखिरी स्टिच और ये हो गया। बेस पर बेल्ट लगाकर लुक को और अच्छा बनाते हैं। शानदार है। मैं कौन सी आउटफिट पहनूं? रेड टेल या ब्लू? सिजर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। टेल्स को क्या हुआ? मेरी उंगली। अब मैं क्या करूं? उदास मत हो, मजे करो। हाँ? तुम्हें यकीन है कैंडी से बात बन जाएगी? ठीक है, पिक्सेल्स चले गए। वाह! और मुझे शानदार टेल मिल गई। मुझे उस तरह की कैंडी पसंद है। रुक जाओ। मेरे लेग्स। इसे कौन पहनना चाहेगा? तुम इसे ले सकती हो। शुक्रिया, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया, अब ठीक है। डोर के पास चलते हैं। हम भी आ रहे हैं। कुछ नहीं बदला, ऐसा कैसे? और बेहतर करो। इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है आउटफिट में क्या मिसिंग है? नीचे कमेंट में बताएं। मर्मेड का टॉप? सही कहा, उसने टॉप नहीं पहना है। हाँ, मेरे दिमाग से निकल गया। ये रहे और कमेंट्स। चलो इस पर काम करते हैं। यहाँ कुछ जरूर अच्छा होगा। प्यारी जैकेट है, ये देखी देखी सी लग रही है। तुम कंफ्यूज नहीं हो रही है ना? उप्स, माफ करना। ये क्या है? मुझे इसकी ही जरूरत थी।
मुझे ग्लू चाहिए और कुछ पर्ल्स की जरूरत है। वोइला, टॉप तैयार है। ओह, इसमें बटन्स गायब हैं। किस्मत से मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। सर्कल को ट्रेस करें, काट लें, स्टफिंग भरें, किनारों से सिएं। पॉम पॉम बटन तैयार है। बढ़िया है। मुझे अपने लिए कॉलर बुननी होगी। हो गया। और आउटफिट को पूरा करने के लिए ग्लव्स, ब्रेसलेट भी जरूरी है। बार्बी, मोमेंट, हमें चलना चाहिए। खुल जाओ। ये फिर से काम नहीं कर रहा। इस बार क्यों? हम वापस जा रहे हैं। हेयर, मैं समझ गई। मुझे पता है कि क्या करना है। मैं हेयर डाई लगाऊंगी। वाओ। और फॉइल से रैप करूंगी। टाइम, इंतजार नहीं कर सकती। हो गया। फॉइल को हटाते हैं और मेरे नए सुंदर हेयर तैयार हैं। ठीक है, मैं विग उतार रही हूँ और नई विग पहन रही हूँ। बस अब मुझे बालों की ब्रेड बनानी है। ये तो बहुत आसान है। चलो तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल बना देते हैं। मेरे हाथ कितना बुरा है। वैसे मैं इसे एक हाथ से भी कर सकती हूँ। अब देखते हैं बिना हाथों के ब्रेड कैसे बनाओगी। तुम बहुत बुरे हो। थैंक, मुझे तुम्हारी जरूरत है। शुक्रिया। केन, तुमने बस अपना समय बर्बाद किया। कितनी बुरी है। इसके बारे में क्या ख्याल है? थिंग, इसने तुम्हारे साथ क्या किया? एक पिन? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। पूरा प्लान खराब हो गया। मेरे सुंदर बाल, मैं अपने बालों को कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, मैं इन्हें पिंक करूंगी। क्यों? नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं मदद करती हूँ। हो गया। ये तुमने क्या किया? ओह, ये सच में प्यारा है। शुक्रिया। हमने हेयर कर लिए हैं। हाँ, मुझे यकीन है अब हम जा पाएंगे। अभी भी कुछ कमी है। अगला टास्क हेड पीस है। ओह, पता नहीं ये क्या है। चलो देखते हैं। इसे कैसे खोलें? भारी है। मैं मदद करती हूँ। शुक्रिया, मुझे परफेक्ट केप मिल गई। हटो, ये मेरी है। मुझे क्या मिला है? मुझे सब कुछ खुद करना पड़ेगा। अच्छे से फिट हो गई। ये इतनी भी खास नहीं है। मैं हार नहीं मान सकती। मैं भी एक बढ़िया हैट DIY करूंगी। लेआउट बनाते हैं। पीसेस काट लेते हैं। अब इसे सिए। इसे पलटते हैं। स्टफिंग से भरते हैं। शेप देते हैं। पॉम पॉम्स लगाएं। मैं किनारों को तो भूल ही गई। हैट तैयार है। आप भी ऐसे हैट बनाएं। वीडियो बनाकर हमें टैग करें। हम एक विनर चुनेंगे। ये मजेदार है। तुम्हारी हैट छोटी है, मेरी बड़ी है। हे, उसे चिढ़ाना बंद करो। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारी हैट प्यारी है ना दोस्तों? देखा,
अब चलो चलते हैं। अभी भी नहीं, अब ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अब क्या? नेल्स, मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं, तो इसका तो मतलब नहीं बनता। जो भी है, मुझे नेल्स बनाना पसंद है। पर्सनल्स का इस्तेमाल करते हैं। चलो शुरू करते हैं। वाह, दूसरे हाथ की बारी है। नेल्स तैयार हैं। और कोई रास्ता नहीं है, लगता है करना ही पड़ेगा। मैं अपने नेल्स को ग्रे पेंट करूंगी। हो गया। ओह हाँ, अब मेरी बारी है। ये क्या है? क्या ये सच में एक मैनिक्योर गैजेट है? मुझे डर लग रहा है, लेकिन करना पड़ेगा। वाओ, वाह, मुझे पसंद आया। कितना बढ़िया मैनिक्योर है। मुझे यकीन है इस बार हम बाहर निकल जाएंगे। रुको, 99%। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। बहुत हुआ केन, हम बहुत परेशान हो गए हैं। नहीं, क्या सरप्राइज है। डिजिटल सर्कस को थोड़ी देर के लिए रोका जा रहा है। चिपी चिपी चापा चापा बूम बूम बूम। केन, अरे नहीं, तुम्हें क्या हुआ? हे भगवान, व्हाट? मुझे किसी ने मार दिया है। ओह केन, मुझे मारा है? किसने? नहीं, ओ नहीं केन, रेस्ट इन पीस। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझसे दूर हो जाओ, ये मुझे करना चाहिए। देखो, अब केन नहीं रहा, तो हमें भी ये सर्कस छोड़ देना चाहिए। जब तक केन के मर्डरर का पता नहीं चलता, कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। क्या पता इसे तुमने मारा हो? क्या? नहीं, ठीक है, चलो चलें। ये तुमने किया है, तुम ही हो किलर। सब इसका ही नाम ले रहे हैं। ये तुमने किया है। नहीं, मैंने नहीं किया। क्या? मैं पोमिनी हूँ, अमेजिंग डिजिटल सर्कस की बेस्ट डिटेक्टिव। समझे? अब मैं पता लगाऊंगी ये किसने किया है। तुमने? मैंने नहीं किया। या तुमने? मैंने नहीं किया, तो फिर तुमने किया है। ज़ूबल, तुमने उसका दिल तोड़ दिया। शायद आपने उसे मारा है। हाँ, ठीक है, इन लोगों पर शक है। केन का मर्डर किसने किया है? ये फोटो उसके जैसी नहीं है। सही कहा, अब बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है केन का मर्डर किसने किया है? हमें कमेंट में बताएं। ये एक क्राइम सीन है। हमें सबूत ढूंढने होंगे। एक चाकू? नहीं, ये क्या है? ये तो पूंछ है। मतलब ये सब तुमने किया है? तुमने? ये तुमने किया है, तुमने उसे मारा है। हाँ, ये मेरी पूंछ है। रुको, डिफेंडेंट, यहाँ बैठो। हाँ, क्या ये करना जरूरी है? हाँ, यहाँ से हिलना मत। अब तुम्हें सच बताना होगा, पूरा सच, और सच के अलावा कुछ नहीं। मुझे सब कुछ बताओ। ठीक है, मैं एक हाथ से दुनिया के सबसे भारी डंबल से वर्कआउट कर रहा था, और दूसरे हाथ से एक नया गिटार सॉन्ग सीख रहा था। ये मेरे रिफ्लेक्शन को भी पसंद आया। खैर, मैं इन सब में माहिर हूँ। लेकिन अचानक मुझे एक चीख सुनाई दी। मेरी रिफ्लेक्शन भी चीख से डर गई, पर मैं नहीं। हा?
मुझे पता था मुझे क्या करना है। मैंने उठकर टूथपिक फेंकी और रिगेथा को बचाने गया। कितना हैंडसम है। मैं कौफमो की तरह गया और सीधा उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम सुपर हीरो हो। रिगेथा मेरी बाहों में आ गिरी और मैंने उसे एक फूल दिया। ये सच में बहुत कूल है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि इससे बिल्कुल उल्टा हुआ था। तुम झूठ बोल रहे हो। एक मिनट रुको, कुछ ऐसा हुआ था। जैक्स कॉफ मुझसे बहुत डर गया और कांपने लगा और ये वहाँ से भाग गया। हाँ, मैं डर गया था और तभी मेरी पूंछ भी गिर गई। मुझे मत मारो, तुम मर्डर नहीं हो। मुझे याद आया, मैंने रिगेथा को हाथ में चाकू लेकर केन के पास जाते हुए देखा था। अरे हाँ, केन का मर्डर भी चाकू से ही हुआ है। हाँ, ये इसी ने किया है। वो कहाँ गई? क्या? हे भगवान, ये क्या है? माफ करना जूबल, गड़बड़ हो गई। तुम फिर से, तुम भाग नहीं सकती। तुम पूछताछ के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तुम उस दिन क्या कर रही थी जब केन का मर्डर हुआ? मेरी आंखों में लाइट मत मारो। ठीक है, मैं सब बताती हूँ। ये देखो, मरमेट बनने की चेकलिस्ट। ये क्या है? उप्स, ये देखो, इन खाने की चीजों से मुझे एलर्जी है। तो क्या हुआ? ठीक है, सोचो जरा। जैक्स फ्राइज खा रहा था। मुझे भी भूख लगी थी। पॉमली भी चीज बर्गर खा रही थी। बात ये है कि मैं वो नहीं खा सकती। ओह नहीं, इसके बाद केन मुझे नगेट से चिढ़ाने लगा। उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। रिगेथा को क्या हुआ? लेकिन उसने सब खुद ही खा लिया। मैंने चाकू लिया और उसके पीछे चली गई। हाँ, मैंने तुम्हें देखा था। केस नहीं किया है, केस सॉल्व हो गया। अब मैं बेस्ट डिटेक्टिव हूँ। मैंने सही कहा ना जूबल? हाई फाइव। नहीं, बिना हैट या मैग्नीफाइंग ग्लास के तुम डिटेक्टिव नहीं हो सकते। ठीक है, अब आगे बताओ। तो मैं चाकू लेकर केन के पीछे गई। क्या हुआ? मेरा पसंदीदा पिज्जा मार्गरिटा है। कितना स्वादिष्ट है। मैंने हर बाइट को मजे से खाया। मैंने मर्डर नहीं किया। मुझे यकीन नहीं है। ठीक है, ये देखो सबूत, मेरी एलर्जीज। अब मुझे विश्वास हो गया, तुम बेकसूर हो। बहुत बढ़िया। अगर रिगेथा ने नहीं किया और जैक्स ने भी नहीं किया तो कातिल कौन है? जूबल, हे दोस्त, इतनी क्या जल्दी है? यहाँ बैठ जाओ, मैं सब जानना चाहती हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो क्या हुआ था? चलो भी जल्दी बताओ। मुझे पता है केन को किसने मारा है। वो है क्या? ये तुमने किया? तुमने नहीं, ये तुमने किया। तुम्हारा पॉम पॉम किधर है? ये रहा क्राइम सीन के बीचों बीच। अब सबका शक पॉमिनी पर है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ था। अभी के अभी कुछ नहीं हुआ था। मैं सच्चाई जानकर रहूंगा। हे डिटेक्टिव, मुझे गवाही देनी है। हम एक साथ थे क्या सच में? ये झूठ है। इन्वेस्टिगेशन में दखल मत दो।
मुझे बताओ तुमने केन को क्यों मारा? अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा। रुक जाओ, मैं बताती हूँ। मैं बस डांस कर रही थी। और अचानक मैंने उसकी छड़ी देखी। वाह, बाहर निकल सकती हूँ। वाह, आजादी का दरवाजा। कोई नहीं देख रहा, मैं जा रही हूँ। आउच, मेरा सिर। आउच। ओप्स। हियो, कॉफी की जगह स्लाइम क्यों है? माफ करना, तो वो तुमने किया था। ही, वो अभी भी तुम्हारी जेब में है। वो क्या, मेरी पॉकेट में? हियो, कितना गंदा है। माफ करना, ये बहुत घटिया है। पूछताछ जारी रखते हैं। पॉमिनी, हमें सब कुछ बताओ। खैर, मैंने छड़ी को हिलाना शुरू किया, कुछ नहीं हुआ। बहुत बुरा दिन है। उप्स। मुझे बग से नफरत है। वो तुमने किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारी दोस्ती खत्म। तुम्हें पता है ना, मैं बग से डरती हूँ। ठीक है, मैं खुद ही पूछताछ को आगे बढ़ाती हूँ। घटिया केन। शायद मैंने इसे तोड़ दिया है। ये तो गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी। मुझे इसे ठीक करना होगा, पर कैसे? नहीं, ये नहीं। ये भी नहीं। ओह, ये बढ़िया है। छड़ी नई जैसी हो गई है। हो गया, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या? हाँ? फिर से? हाँ? मेरी नजर तुम पर ही है। मैं देख रही हूँ, तुम गिरने की हिम्मत मत करना। खड़े हो जाओ, मैं बेकसूर हूँ। सही कहा? ये निर्दोष है। तो अब हम क्या करें? केन मर चुका है। इसकी अभी उम्र ही क्या थी? केन, तुम हमें छोड़ कर क्यों चले गए? ओ नहीं, ज़ूबल, रुको, इसकी तो 5 मिनट पहले ही मौत हुई थी ना? सही कहा? नहीं नहीं नहीं, तुम क्या कर रही हो? ये नकली है। मैंने तुम सबके साथ एक प्रैंक किया है, मजा आ गया। तुमसे शुरू करते हैं, वो कॉफ मो नहीं था। तो वो तुम थे? मैं डरा भी नहीं था। और तुम? मैं? वो पिज्जा सॉस नहीं था। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और मेरा क्या? हाँ, ये ग्लव याद है? ओ हाँ, मैं समझ गई। तो ज़ूबल का क्या? ये आसान था। ज़ूबल को पता लग गया था कि मैं जिंदा हूँ और वो तुम्हें सच बताने वाला था। तो मैंने उसका सिर अलग कर दिया और उस पर केचप डाल दिया। मेरे अमेजिंग डिजिटल सर्कस का एक और मजेदार एडवेंचर। ये बहुत बुरा मजाक था। एक दरवाजा, तुम कहाँ जा रही हो? ओह, एक अच्छी स्काचीनो। हे भगवान, कोई वॉइड में गिर गया है। बहुत हुआ, वापस जाने का समय आ गया है। तुम्हें वॉइड से नहीं उलझना चाहिए था। मुझे उल्टी आ रही है। एओ, मुझे अब खाने का मन नहीं है। मुझे मेरे मॉम डैड के पास वापस जाना है। भूल जाओ, अब से हम ही तुम्हारी नई फैमिली है।